हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि अभी भी इस पेंटिंग में, ड्राइंग में काम चल रही है, काम चालू है, और आप लोग को मैं बता दूं, जैसा पहले भी बोला है कि अगर आपको आर्टिस्ट बनना है या कोई भी आर्ट से रिलेटेड आपको करना है, इसके लिए आपको पेशेंस तो चाहिए होगी। अब ये पेशेंस किसी दुकान में नहीं मिलेगी, आपको ये खुद ही डेवलप करनी पड़ेगी। और हालांकि आप ये एक चीज देखते होंगे, जैसे जो लोग इन चीज़ों को समझते हैं, आर्ट को, तो इन चीज़ों में समय तो देना पड़ता ही है, और जब समय आप देंगे तो पेशेंस खुद ब खुद इंक्रीज होगी। और पेशेंस से आपको एक फ़ायदा क्या होगा कि आपका जो आर्ट है ये अच्छा होने लगेगा। और मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी लोग अगर आर्ट सीखना चाहते हैं, आप लोग मेरी राय माने तो पहले आप लोग जाके ना, ये यूट्यूब में जो लोग पोर्ट्रेट्स बनाते हैं फोटो से या फिर फिल्म स्टार्स की बनाते हैं, ऐसे वीडियोस आप देखना बंद कर दें, क्योंकि आप अपने आप को एक तरीके से बर्बाद कर रहे हो। आप इससे आप क्या सीखोगे, आप किसी की, अब विराट कोहली बना रहे हो, तेंदुलकर बना रहे हो, आपको बनानी है तो पहले ये चीज तो देखो कि वो बन कैसे रही है। मतलब अब ये नहीं कि पेंसिल, देखो पेंसिल या कोई भी मीडियम हो आर्ट, मतलब कि एक और चीज देखता हूं मैं, लोग ज्यादातर एक ही मीडियम में लोग काम करते हैं, बस पेंसिल हो गया, चारकोल हो गया, या फिर 8B 6B। क्योंकि जैसे हम लोगों ने जो मुझे आज कॉलेज से निकले हुए तकरीबन 19 साल हो गए, और जब मैं आया था 98 से 2004 तक मैंने कॉलेजिंग करी है, मैंने बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स किया है, उसके बाद अलग अलग देशों में, इटली में गया, फ्लोरेंस में, वहाँ पे मैंने काफ़ी स्टडी किया ड्राइंग। मुझे काफ़ी यूरोपियन मास्टर्स मुझे पसंद है शुरू से मुझे, क्योंकि उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है ड्राइंग। माइकल एंजेलो, जितने भी सारे, लियोनार्डो दा विंची। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप लोग सीख रहे हो तो पहले सही विधि तो सीखो, फोटो से मत बनाओ, आप स्केच करो। मैं आपको बाद में सारे धीरे धीरे वीडियोस शेयर करूंगा, जैसा कि आपको मैंने बताया भी था कि अभी मेरा चैनल बिल्कुल नया है, और अभी तो आज 26 अक्टूबर शायद 26 अक्टूबर है 26 सॉरी 26 नवंबर है, और 26 नवंबर शायद पिछले 26 अक्टूबर को मैंने 26 अक्टूबर 2022 को मैंने ये चैनल शुरू किया है, और एक महीने हुए शायद, आज एक महीने हो रहे हैं, और पता नहीं मेरे कौन कितने वीडियोस होंगे, ये तो मैं नहीं गिनता मैं, क्योंकि मैंने कितने सारे शूट भी किए हैं, थोड़ा टाइम को लेके थोड़ा देखना पड़ता है कि मैंने डाला कितना है, अपलोड किया कितना। तो सॉरी, मैं एक्चुअली आप लोगों को लग रहा होगा मैं कभी कभी, मेरी साउंड जो वोकल साउंड है थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि मैं नीचे बैठ के, और ये पेंटिंग की हाइट भी है 7 फीट, और
चूंकि अगर बीच बीच में मैं अगर पीछे थोड़ा हट के देखूंगा नहीं तो पता नहीं लगती कि ड्राइंग को समझना पड़ता है कि कहाँ पे कितना काम करना है। तो ये लोग जो आर्ट करते हैं वो समझते होंगे। तो एक्चुअली थोड़ा बीच में आपको सेकंड्स के लिए पीछे पीछे मैं जाता हूँ, तो उस समय मेरा हाथ पीछे चला जाता होगा। तो एनीवेज, तो मेरे कहने का मतलब आपको यही है कि आप लोग जो कर रहे हो आप इसमें वो करो, क्या कहते हैं, स्केच करो। मैं आपको बहुत शेयर करूंगा। मैं कॉलेज लाइफ में जो नई दिल्ली स्टेशन जाता था, बहुत सारे और जगह रेस कोर्स जाता था, ड्राइंग करता था, स्केच करता था सॉरी, और स्केच पैड या फिर मेरे पास पैसे नहीं होते थे उस टाइम, तो मैं न्यूज़पेपर को मना कर न्यूज़पेपर को लेके मैं करता था, उस पे ड्राइंग करता था। तो इन चीज़ों में ये फायदा होता है कि आपको आपका आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। प्रैक्टिस होने से ही सब कुछ है, जितना प्रैक्टिस करेंगे आप। और जैसे अभी भी मैं प्रैक्टिस ही कर रहा हूँ आपके साथ बात करते करते। और ये प्रैक्टिस हर रोज आदमी हर कोई सीखता है, सीखने का कोई ये एंडलेस जर्नी है और ये सबके साथ होता है। तो आप लोग स्केच करो और जितना चाहे अपने घर में मम्मी पापा भाई बहन जो भी आपको दिखता है, जो भी पेट्स हैं आपके पास, या फिर कोई भी फ्लावर पॉट ले लो, कुछ भी ले लो, स्टिल लाइफ बनाओ, बेसिकली सब चीज़ें मैं आपको सब दिखाऊंगा धीरे धीरे आगे चल के। तो ये बेसिकली आपको इससे फायदा क्या होगा कि आपकी आपकी जो 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 आपकी क्या बोलते हैं उसको, आपकी 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 जो प्रैक्टिस होगी, प्रैक्टिस होने से जो समझ होगी बढ़ेगी, जो स्ट्रक्चर होगा वो समझोगे। एक्चुअली सॉरी, मैं बीच बीच में इसलिए मैं इसमें खोया हुआ हूँ, तो मुझे वर्ड्स के ऊपर ध्यान नहीं होता मुझे क्या बोलना है, इसलिए रुक जाता हूँ क्योंकि इसमें मैं खोया हुआ हूँ। आपको भी पता है आर्ट जब करते हैं हम लोग एक मेडिटेशन की तरह होता है, और इसमें हम लोग बस एक अट्रैक्शन की तरह ऊपर बढ़ते रहते हैं, ऊपर खींचती है ना पेंटिंग भी ड्राइंग भी, कोई भी चीज़ कंसंट्रेशन वाली होगी वो आपको अट्रैक्शन की तरफ लेके जाएगी। ये सबसे अच्छी बात होती है आर्ट के साथ, और ये चीज़ आपको कहीं और नहीं मिलेगी। आपको एक संगीत में भी दिखता है कि जब वो रियाज करते हैं तो, और गाने में भी आप ये चीजें दिखती है। तो बस शुरू करो, आप लोग स्केच शुरू करो और आप चिंता मत करो, आपको बहुत अच्छी जगह आप आए हो। और आपको अगर अच्छा लग रहा है तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और मैं आप लोग को प्रॉमिस करता हूँ कि आप लोग बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी चीज़ें सीखोगे यहाँ पे, जो कि पूरे यूट्यूब में आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं बहुत सालों से देख रहा हूँ ये सब, लेकिन मैंने कभी शुरू नहीं किया। लेकिन अब लाइफ के जैसे जो वो स्टेजेस होते हैं, तो मैंने अब लगता है कि कुछ कुछ किस अपनी जर्नी किसी के साथ शेयर करो, अपने स्किल्स और अपनी क्रिएटिविटी। तो मिलते हैं आगे वीडियो में, अगले वीडियो में, और आपसे बात करते हैं। बाय, थैंक यू।